प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 2 का सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। कारा की अनुचित भिन्न को दर्शाने वाली स्थिति को पहचाने। हमसे यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा है। हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। करा कौन सी ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। तो बेटा, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वह क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे मैं कहूं ये 3/2 है, ये मान लो आप 8/3 हो। अब यहां पे देखना, 3 2 से बड़ा है तो मतलब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां 8 3 से बड़ा, ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बातें क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 5 केक को 7 सदस्यों के बीच बराबर बराबर बांटना है। 5 केक है, अब 7 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर वह डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता तो वह फ्रैक्शन प्रॉपर होती है, ना कि इम्प्रॉपर। ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड क्या है कि नी 2 इकाई भिन्नों का योग, मतलब हमसे यूनिट फ्रैक्शन की बात कराते। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मैं कहूं, मान लो 1/2 है और ये 1/3 है। ये दोनों क्या? यूनिट फ्रैक्शन। इनके सम की बात करा, सम कर लो तो इनका एलसीएम लेंगे 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहां हो जाएगा 5/6। यहां पे भी देखो, यहां पे फ्रैक्शन क्या बन गई? प्रॉपर बन गई। क्यों? क्यों? न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। करा 7 केक को 5 सदस्यों के बीच में समान रूप से बांटना है। अब 7 केक है, 5 लोगों के बीच में बांटना है। अब यहां पे देखो, यहां पे न्यूमरेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करण निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना आवश्यक नहीं है? हमसे यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्या रहा है? 1 0 एकमात्र पूर्णांक है जो अपना योगात्मक व्युत्क्रम है। हमसे इस स्टेटमेंट में एडिटिव इनवर्स की बात किया है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? तो बेटा, ऐसे दो नंबर जिनका सम करने पे अगर हमें 0 मिल रहा है तो वह दोनों के दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। देखो, अब जैसे मैं कहूं, मान लो ये 5 है, अब इसमें क्या ऐड कर दें कि इसका जो सम आए 0, तो आप कहोगे कि -5। यहां से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है? एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह मैं कहूं, मान लो ये -7, इसमें क्या ऐड करें? तो आप कहोगे 7 ऐड कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये भी आपस में क्या है? एडिटिव इनवर्स है। बातें क्लियर है? तो ये बात अब कह रहा कि 0 एकमात्र पूर्णांक जो अपना योगात्मक व्युत्क्रम है, मतलब कह रहा 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 0 को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 ही आती है। ये अपने आप में खुद एडिटिव इनवर्स है। बात सही है कि 0 में 0 को ऐड करेंगे वैल्यू 0 आएगी। ये बात तो सही है। करा विपरीत चिन्ह वाले 2 पूर्णांक को जोड़ने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करना होगा और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक के चिन्ह निर्दिष्ट करने होंगे। अब मेरी बात समझना। यह कह रहा है कि अगर 2 अपोजिट साइन का सेंस ये कि कोई नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर निगेटिव है, अगर उनको आपस में ऐड करते हो
तो उनके जो वैल्यू मतलब नंबर का जो वैल्यू उनका डिफरेंस चेक करते हो। देखो जैसे मैं कहूं मान लो ये प्लस का 5 है और इसमें हम ऐड करें माइनस का 3, ठीक। तो यहां पर देखना ये 5 माइनस 3 बनेगा, क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। तो कह रहा संख्यात्मक मान, ध्यान से समझना, संख्यात्मक इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 3 है, इनका आप डिफरेंस लिखते हो 2 आता है, क्या आता है 2 आता है, बातें क्लियर है। और ये कह रहा है कि आप बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हो, देखो ये नंबर पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव आई है, बातें क्लियर है, ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। फिर कह रहा दो पूर्णांकों को घटाने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करना होगा और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक को चिन्ह निर्दिष्ट करना। देखो अब जैसे यहां माइनस की बात कर रहा है, अब मेरी बात समझना, अब यहां पे कह रहा है कि आप दो इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लो, अब ये मान लो हमने किया 7 और 7 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो आप कह रहा संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करना होगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी 7, इसकी वैल्यू 3 है, डिफरेंस कितना आएगा 4, कितना आया 4। और कह रहा बड़े वाले साइन, बड़े वाले नंबर का आप साइन लगाते हो, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहां भी प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस का साइन है, ये भी बात सही है। कह रहा तीसरा प्रत्येक पूर्णांक का एक उत्तराधिकारी और एक पूर्ववर्ती होता है, मतलब हर एक इंटीजर का प्रीडिसेसर भी होता है सक्सेसर भी होता है, ये भी बात सही है। यहां पे तो चारों स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, यहां पे चारों स्टेटमेंट सही है, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2:1/2 डिवाइडेड बाई 1:3/5 इक्वल किसके, ऑप्शन ए बी सी डी चार दे रखे। देखो ये 2:1/2 डिवाइडेड बाई 1:3/5 ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हम पहले कन्वर्ट किस में करें इम्प्रॉपर में, तो 2×2=4 5/2 डिवाइडेड बाई 5×5=3 8/5 क्या इसे मैं 5/2×5/8 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। देखो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 25 और 8 में 2 का हो जाएगा 16। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, करा 9/16 <1 15/16 <1 1/16 <1 9/16 <1 मतलब जो ऑप्शन आएगा वह इन कंडीशन को फॉलो करेगा, इनमें कौन सा देख लो। अब कह रहा है कि 25/16 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम क्या लिखते हैं 1, इसका एलसीएम लेंगे क्या 16, 16 को डिवाइड करेंगे एक बार, 1 में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 16 बार, 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16, देखो ये हो जाएगा 9/16 मतलब ये 1 से 9/16 बड़ा, ऑप्शन कौन सा डी 9/16 <1 बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राकृतिक संख्या देता है, मतलब इन ऑप्शन में हमें यह चेक करना कि किसका हम प्रोडक्ट करें तो हमें नेचुरल नंबर मिले। अब मेरी बात समझना, देखना यहां पे अगर मैं 3 से इसे कैंसिल करूंगा 5 बार में 5 से यहां कैंसिल, यह -1 आएगा, यह तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। इसे देखो यहां से इसको कैंसिल करेंगे 5 बार में 5 से यह कैंसिल करेंगे 1, यह नेचुरल नंबर आ गया। अब यहां पे अगर कैंसिल करोगे ये इससे होगा कैंसिल 3 5 बार में 5 से ये होगा, यहां से -1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। और यहां पे देखो यहां पे करोगे आप कैंसिल होगा ही नहीं, ये आ जाएगा 1/3, ठीक, ये फ्रैक्शन आ गया, तो ऑप्शन कौन सा बी, बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन। कर 5.035 के अनुरूप मिश्रित अंश है, अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये 5.035 इसको आप क्या लिख सकते हो 5:35/1
तीन प्लेस पे डेसिमल है तो आप 0.3 बढ़ा दो, हो गया। अब कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 5 से 7 बार में, ये 5 से होगा 200, मतलब 5:7/200। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, कोई त्रिभुज एबीसी है उसमें कह रहा है कि AB जो है AC के बराबर है, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर, और भुजा AB को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाए, AB को D तक बढ़ा रहा है, ये D है, बढ़ाया गया कि एंगल CBD ये 150 डिग्री है, तो एंगल BAC मतलब हमसे इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखना मेरी बात समझना, अगर एक सीधी लाइन की मैं बात करूं AD पे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहो 180, तो यहां तो 150 दे रखा है, तो बचा ही है कितना 30। अब मेरी बात समझना, AB और AC बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो गया, और एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की सम की बात करूं तो आप कहोगे 180 होता है, ये 30 ये हो गया 30 और 60, तो बचा कितना 120, इसकी वैल्यू कितनी है 120। ऑप्शन कौन सा? D। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, देखो कोई ट्रायंगल ABC है, ये A है, ये B है और C, इस पे कोई लाइन D है AD, इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है 90 डिग्री, और कह रहा BD DC के बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, तब हमसे ऑप्शन कह रहा है ABD कांगुरेंट है ACD बाई RHS ABD। अब देखो अगर ये लाइन इसके बराबर है और ये 90 डिग्री है और ये लाइन कॉमन है, तो तीसरी ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो ही जाएंगी, अगर बराबर हो गई तो ये कांगुरेंट हो जाएगा। अब होगा कैसे, क्या करें, ABD कांगुरेंट ACD के बाई RHS, ऑप्शन पहला ही सही है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सीमी कागज की एक सीट पर रेखाएं L, M और N इस प्रकार खींचती है कि L, M के लंबवत परपेंडिकुलर, मान लो ये लाइन L है, ये नहीं M है, M है, L इस पे परपेंडिकुलर है, ये मान लो L हो गई, फिर करा N, M पर लंबवत, अब N भी L पे परपेंडिकुलर है, ठीक, तब करा L, M कर L और N समांतर है, L और N एक दूसरे के लंबवत है, L, M और N सदैव एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, M के समांतर कोई भी रेखा N के समांतर नहीं, ऑप्शन कौन सा, ए, L और N क्या पैरेलल होंगे, जब दोनों परपेंडिकुलर M पे हैं तो क्या है पैरेलल है, बात खत्म, ऑप्शन कौन सा, ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, करा किसी त्रिभुज के लिए सममित रेखाओं का अधिकतम संख्या संभव है, हमें सिमेट्री लाइन की बात कर रहा है, सिमेट्रिकल लाइन की बात कर रहा है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो एक ट्रायंगल मैक्सिमम 3 हो सकती है, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3, देखो आप एक यहां से ड्रा कर सकते हो, एक यहां से ड्रा कर सकते हो, एक यहां से ड्रा कर सकते हो, मैक्सिमम 3 हो सकती है। आगे चलो, करा बाबूराज कागज की एक सीट पर दो रेखा खंड AB और PQ खींचता है, यदि दो रेखाखंड दोनों ओर एक दूसरे तक बढ़ाए, एक दोनों ओर मतलब बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को नहीं मिलते, तो AB और PQ दो के भाग हैं। अब मेरी बात समझना, अगर कोई लाइन किसी कागज पे खींची जाती है और वह कभी आपस में मिलती नहीं है तो वह कौन सी लाइन होती, पैरेलल लाइन होती, सीधी सी बात, तो ऑप्शन कौन सा, B, वो लाइन क्या है, जब मिल नहीं रही है दोनों तरफ बढ़ाने तो कौन सी होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे देखो
अगर मैं कहूँ एक लाइन ये है एक लाइन ये, अब चाहे हम इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, अब दोनों आपस में कहीं मिल नहीं रहे तो कैसी है? पैरेलल लाइन है। आगे चल, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमें दे रखा है 10:3। इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 12 रुपये प्रति मीटर है। कह रहा है टोटल कास्ट आई 6,240। तो कह रहा मैदान का क्षेत्रफल हमसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालने के लिए हमें तो साइड पता होना चाहिए, हमें तो यहाँ पे केवल साइड का रेशियो दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम साइड निकालेंगे। अब मेरी बात समझना, अगर कोई आयताकार मैदान है, अगर इसके मैदान के ऊपर बाड़ लगी होगी तो ये जाहिर सी बात है उसका पेरीमीटर की बात हो रही है, क्योंकि बाड़ तो यहीं पर लगाओगे ना पेरीमीटर पे ना, ऐसे तो पेरीमीटर क्या होता है? अगर मैं पूछूं आपसे आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप कोई है उसका पेरीमीटर अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे? 2l+b। ठीक। अब कह रहा है कि जो पेरीमीटर है उसका कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर खर्च भी आया है। अब मेरी बात समझना, 2l कितना है? अब किसी भी रेशियो को अगर वैल्यू निकालना तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वेरिएबल लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10x+3x(12=6240। अब देखो 12 × 5=60, 2 × 12 = 24 हो गया। अब 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 26×52=260। अब ये हो जाएगा 13x=260, यहाँ से 13 से कैंसिल करेंगे दो बार में तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो अगर मैं उसके लेंथ की बात करूँ तो 10 × 20 बराबर कितना? 200। अगर उसके मैं ब्रेथ की बात करूँ तो हो जाएगा 3×20=60। अब एरिया चाहिए, हमें साइड मिल गई, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 200×60, मतलब आ जाएगा 12,000। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कारा मान लीजिए यस और यस डैश समान ऊंचाई वाले दो सिलेंडर हैं। मान लो ये कोई समान ऊंचाई के दो सिलेंडर हैं। यह यस है और यह यस डैश है। ठीक। कह रहा है यदि यस का व्यास मतलब डायमीटर यस डैश का 2 गुना, अगर मैं इसका डायमीटर 2 मान लूं तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कह रहा है यस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है मतलब यस डैश के मतलब यस डैश को हमें ध्यान में रख के ये बताना है कि यस का जो वक्र पृष्ठ मतलब हमसे कर्व सरफेस एरिया की बात कर। अब मेरी बात समझना, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? आप कहोगे 2πRh, इनकी भी होगी 2πRh। ठीक। अब यहाँ पर 2×π, अब अगर डायमीटर 4 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 2h, दोनों की इक्वल है, यहाँ 2×π, आर यहाँ पे डायमीटर 2 है तो आर कितना होगा? 1×h। देखो h से h कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, मतलब अगर इसकी कर्व सरफेस एरिया 1 आएगी तो इसकी क्या आएगी? 2 आएगी। तो हमें कह रहा है कि s का कर्व सरफेस एरिया बताना है तो क्या s डैश का 2 गुना, s डैश का सरफेस कर्व सरफेस एरिया 1 आई और s की कितनी आई? 2। तो ऑप्शन कौन सा है? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कारा सोबिन के पास 2 समकोण त्रिभुज है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर, भुजाओं की लंबाई पूर्ण संख्या में, वह उन्हें इस तरह व्यवस्थित करता है कि उनके कर्ण संपाति और परिणामी आकृति एक आयत है, तो फिर आयत का परिमाप पूछा, मतलब हमें इसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना। अब मेरी बात समझना, उसके पास 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुछ ऐसे है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसे है उसके पास, सॉरी
ऐसे, ठीक। अब कह रहा है कि प्रत्येक का एरिया 6 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, लेकिन इसका जो हाइपोटेन्यूज दे रखा 5 इसका भी है और 5 इसका भी। अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, एरिया 6 है, तो जाहिर सी बात होगी ये या तो 3 होगा, ये 4 होगा, या तो ये 3 और ये 4 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो ये 3 बेस 3 और उसका परपेंडिकुलर 4 हो सकता है, या बेस 4 परपेंडिकुलर 3 हो सकता है, ठीक। अब दोनों को मिलाया तो एक आयत बना दिया, कुछ ऐसे ऐसे शेप में बन गई। अगर 3 ये होगी तो 3 ये भी होगा, अब 4 ये भी होगी तो 4 ये भी होगा। अब हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक। अब इसको ऐड कर दो, ये 2 हो गया, अब ये 3 प्लस 4, 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दो पासे फेंके जाते हैं और प्राप्त संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, यदि कोई जानता है कि प्राप्त संख्याएं भिन्न होंगी तो इसकी प्राप्त प्रायिकता है कि योग 12 है। अब मान लो कोई दो डाइस है, उसको उछाल रहे हैं, अब ये भी कह रहा है कि उछालने के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमेशा डिफरेंस आएंगे, तो कह रहा 12 आने की प्रायिकता क्या होगी। किसी डाइस में मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, 6। अगर एक में 6 आ रहा है तो दूसरे में करा डिफरेंस आएगा, तो दूसरे में मैक्सिमम मैं ले सकता हूं 5। अगर दोनों को ऐड करूं तो मैक्सिमम 11 ही बन सकता है। ये बोलता कि दोनों में सेम नंबर आने की प्रायिकता बन रही है, तो तब यहां पे अगर 6 इसका भी आता और इसका भी 6 आता तो 12, मतलब एक ही बार बनती। तो लेकिन यहां पे बोला कि डिफरेंस नंबर आएंगे, तो अगर एक में 6 आएगा और दूसरे में 1 आ रहा है, इसमें फिर 6 आ रहा है, फिर यहाँ 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे 5 आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, किसी का सम करोगे, किसी का आप सम करोगे तो सम मैक्सिमम आप ला सकते हो 11, 12 कभी नहीं ला सकते, तो 12 आने की प्रायिकता 0। ऑप्शन कौन सा, ए। अगर यही बोलता कि नंबर सम मतलब सेम हो, नंबर क्या हो जो आए उछाले दोनों डाइस, तो नंबर क्या होने चाहिए, सेम, तो मान लो 1-6 यहां बन जाता, 1-6 ये हो जाता 12। लेकिन ऐसा तो बोल नहीं रखा है, हमसे ये बोल रखा है कि नंबर जो भी आएंगे वो डिफरेंस आएंगे, अलग अलग आएंगे। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा नीचे दिए गए डेटा पर विचार करें, 9, 7, 31, 26, 57, 48, 20, 5, 7 जांच करने पर यह पाया गया कि अवलोकन 48 गलत था और उसे 84 में बदल दिया गया, तब का मान होगा एक ही रहेगा, ओनली रेंज मोड मीडियन वैल्यू इन करेक्ट रिप्लेस देन द वैल्यू ऑफ रिमेन द सेम। अच्छा, मतलब कौन सा वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 48 लिखो या 84 लिखो। देखो, तो सबसे पहले हम इन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे सबसे छोटा 5 है, फिर 7 है, 7 है, 9 है, हो गया, फिर 20 है, 26 है, और ये 57 हो गया, और फिर 48 की जगह हमें क्या लिखना है, 84 लिखना। एक बार 48 पे चेक करेंगे, और एक सेकंड इधर से लिखते हैं, यहाँ पे देखना, ये 5, 7, 7, 9, 9 के बाद क्या 20, 26, 31, एक बार 48 है और 57 है। एक बार हमें चेंज करके देखना, ये 5 है, ये 7 है, 7 है, 9 है, ये देखो 20 है, ये 26 है, 31 है, 57, अब ये 84 होगा, तो 84 यहाँ आ जाएगा, हो गया। करें कौन सा चीज सेम रहेगी, अब मेरी बात सुनो, अगर सबसे पहला का रेंज की बात करें, रेंज इस समय सबसे बड़ा डाटा क्या है,
57, और सबसे छोटा डाटा क्या, 5। अगर हम 57 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रेंज आएगा 52। अगर यहाँ पे अगर मैं रेंज देखूं तो यहाँ पे देखो 84 में से अगर हम माइनस करेंगे 5 तो आएगा 79। रेंज चेंज होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड देखो, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मोड रहेगा। तो देखो 7 की फ्रीक्वेंसी यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल, मतलब मोड तो सेम होगा। अब मीडियन चेक कर लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न इवन दे रखे तो हमें लिखना पड़ेगा n प्लस 2 प्लस दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 प्लस 1 पूरे का बाय 2 लिखना पड़ेगा। देखो 3, 3, 6, 3, 9, मतलब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ऑड दे रखे हैं, तो ऑड दे रखे हैं तो क्या हमें लिखना पड़ेगा, n बाय 2 प्लस 1। तो देखो नंबर ऑफ टर्म कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस 1 ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे आप लिख लो n प्लस 1 बाय 2, यहाँ हो जाएगा 5। मतलब पांचवा टर्म चाहिए, तो पांचवा टर्म क्या 20, यहाँ भी पांचवा टर्म 20 आ रहा है, यहाँ भी पांचवा टर्म 20 आ रहा है, मतलब मीडियन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, डी, चाहे आप 48 लिखो चाहे 84 लिखो, ना तो आपका मोड चेंज होने वाला ना तो आपका मीडियन चेंज होने वाला। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 2 ब्रैकेट वाई प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3 ब्रैकेट 2 माइनस वाई, तो 3y प्लस 8 बाय 2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे ये 2y प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस वाई, 3y प्लस 3y हो गया। अब यहां पे देखो एक सेकंड, ये 10 हो जाएगा, अब यहां पे देखो अगर मैं 2y को इधर लाऊं 6 को इधर लाऊं तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 10 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। y की वैल्यू कितनी आ गई 16, y की वैल्यू यहां पे रख दो, ये 3y प्लस 8 बाय 2 है ना, यहां पे लेंगे 3 इंटू 16 प्लस 8, इसे डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ देखो 16 3 48 में 8 जोड़ोगे 56, आप 56 को 2 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा यदि x माइनस y इक्वल टू 5 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 53, तो x और y धनात्मक हैं तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान चाहिए। हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमें x प्लस y भी पता होना चाहिए और x माइनस y भी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको x माइनस y दे रखा है, आपको पहले x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, फिर हमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। देखो अब इसे हम सॉल्व करते, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर मैं करूंगा, ये हो जाएगा 5 का 25। यहाँ आप देखना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखी 53, यहाँ पे हम लिख देते हैं 53 माइनस 2xy इक्वल टू 25, यहाँ से आ जाएगा 2xy इक्वल टू 28 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दें, xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, xy की वैल्यू कितनी आएगी 14। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy।
तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितना देखा, 25, तो 20 सॉरी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 14, 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 56, और दोनों को ऐड करेंगे 81 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 81। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9, मिल गया एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से क्या जाएगा 45, ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 2y माइनस 3x प्लस 2z, एक ब्रैकेट में दूसरे में 2y माइनस 3x माइनस 2z इक्वल टू 4y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमसे पूछ रखा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो तो ठीक, नहीं मैं बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है और दूसरे में a प्लस बी माइनस सी ए ब्रैकेट में, तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, आप लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x यहाँ भी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो आप इसे लिख सकते हो 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर माइनस, ये क्या बन जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा आपका 4z का स्क्वायर। अब आप कंपेयर कर लो, देखो ये 4y इस 4y से, अब यहाँ पे देखना ये 9x स्क्वायर इस 9x स्क्वायर से, ये माइनस 4z ये माइनस 4z स्क्वायर से, अब बचा क्या माइनस 12x वाई, माइनस 12x वाई यहाँ पे प्लस ए एक्स वाई दे रखा, तो ये एक्स वाई से कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12, ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक दुकानदार ने 100 एक दुकानदार ने 10 रुपए की दर से 100 बल्ब खरीदे, उसने इसे इस कीमत पर बेचने का फैसला किया कि यदि सभी बल्ब बेचे जाए तो उसे 25% का लाभ होगा, लेकिन उसने देखा कि 10 बल्ब खराब हो गए और उन्हें बेच नहीं सका, यदि उसने शेष सभी बल्ब रुपए की दर से, यहाँ पे ये चीजें आगे 14 रुपए की दर पे बेचे तो फिर वह क्या होगा। अब मेरी बात समझना, अगर वह 100 बल्ब खरीदा है और 10 रुपए का एक बल्ब है, तो टोटल कितना है उसने पैसे लगाए 1000, अब इस पे वह 25% लाभ लेना चाहता है, तो 1000 का अगर मैं 25% की बात करूं तो आप कहोगे कि 250, आप बोलोगे 250, मतलब अगर वह 25% लाभ पे बेचता तो 1000 प्लस 250, तो वह टोटल बेचता कितने पे 1250 रुपये उसे मिलते हैं, ठीक। लेकिन उसने देखा कि 10 बल्ब खराब हो गए, तो उसके पास बल्ब कितने बचे 90 बल्ब बचे, अब उसने क्या किया कि हर एक बल्ब को 14 रुपए में बेच दिया, कितने में बेच दिया 14 रुपए में, तो 14 नवा 126 1260 रुपए मिले, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा है कि गॉट 110 रुपीज मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना उसे उम्मीद थी उससे 10 रुपए ज्यादा मिला। देखो उसे अगर वह 12
वो 25% लाभ पे बेचता तो उसे 1250 रुपये मिलते। अगर उसने 14 रुपये का एक बल्ब बेचा तो उसे 1260 मिले, इससे कितना ज़्यादा है? 10। तो ऑप्शन कौन सा सही? पहला वाला। बातें क्लियर है? कह रहा है कि गार्ट ओनली 10 रुपये प्रॉफिट, सेकंड वाला कह रहा है तो उसे केवल 10 रुपये प्रॉफिट तो मिले नहीं, ये तो गलत है। वह 10 रुपये लॉस गया, ये भी गलत है। वह ये कह रहा सफर कह रहा सफर द लास्ट 10 रुपये, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन कौन सा? ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक्स ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में वाई जेड माइनस वाई माइनस एक्स ब्रैकेट बंद माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है। चलो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और माइनस एक्स वाई बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो प्लस ये बन जाएगा जेड वाई जेड या जेड वाई माइनस वाई का स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा जेड एक्स माइनस वाई जेड और माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक, अब देखो कुछ कट पिट रहा है। देखो ये प्लस का वाई जेड है, ये माइनस का वाई जेड, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो ये माइनस का जेड एक्स है, ये प्लस का जेड एक्स कैंसिल हुआ, तो बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। ऑप्शन देख लो, माइनस एक्स से एक ही ऑप्शन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सी? बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।